अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हो चुकी है। दो सबसे बड़े एक्शन स्टार्स को साथ में लाना फिल्म की सफलता नहीं है। बड़े मियां छोटे मियां बहुत सारे मज़ेदार सीन रोमांस एक्शन से भरी है, लेकिन उसके बाद भी फीकी कहानी भारी भरकम डायलॉग इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी है। अली अब्बास जफर पहले सुल्तान टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में बना चुके हैं, उनके डायरेक्शन को पहले पसंद किया है। ऐसे बड़े मियां छोटे मियां से उम्मीद लगाना गलत नहीं है, लेकिन यह फिल्म देखते समय दिमाग का इस्तेमाल बंद करना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां कैसी गई है, इसकी स्टोरी में ऐसी क्या खास बात है, इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ही बड़े मियां छोटे मियां को डायरेक्ट करने के साथ इसकी कहानी लिखी है। हालांकि उन्होंने इस फिल्म से ऑडियंस को सिर्फ एक्शन दिखाने की कोशिश की है। फिल्म के कई सीन बार बार घायल होते एक्टर्स को जिस हिम्मत के साथ स्क्रीन पर लड़ने के लिए खड़ा किया है, उसे देखने के बाद लॉजिक की उम्मीद खत्म हो जाती है। भारत पाकिस्तान के विवाद को एक बार फिर फिल्म में दिखाया गया है। पठान, जवान और वॉर जैसी फिल्मों के बहुत सीन से आंखों के सामने से निकल जाएंगे। यहाँ डायरेक्टर कुछ नया अपनी ऑडियंस के सामने परोस सकते थे। इस फिल्म की कहानी करण कवच के देश के दुश्मनों से बचाने के इर्द गिर्द गढ़ी गई है। ऐसे ही कुछ आदित्य रॉय कपूर की फिल्म राष्ट्रीय कवच ओम में भी दिखाया गया था। इस फिल्म में टाइगर और अक्षय कुमार के रोमांस के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले किसी हिंदी फिल्मों में नहीं देखा होगा। लेकिन फिल्म में अक्षय कुमार कैप्टन फिरोज उर्फ फ्रेडी और टाइगर श्रॉफ कैप्टन राकेश यानी कि रॉकी के किरदार में है। हर देश पर आधारित फिल्मों में एक सीनियर ऑफिसर भी होता है, तो यहाँ रौनित बॉस जो इनके कर्नल आदिल शेख आजाद का किरदार निभा रहे हैं। आदिल का काम देश के दुश्मन कबीर यानी पृथ्वीराज सुकुमारन से करण कवच को बचाना है। आगे कैप्टन मिशा के किरदार में मानुषी छिल्लर हैं। आगे आईटी स्पेशलिस्ट पैम यानी कि अलाया एफ भी हैं जो एक मिशन पर हैं। बस इतना ही नहीं, ऑफिस प्रिया दीक्षित के किरदार में सोनाक्षी सिन्हा भी हैं। इस बिना लॉजिक की फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिन्हें देखने के बाद थिएटर में बैठी ऑडियंस सीटी मारने लगती है, लेकिन फिल्म के डायलॉग इन्हीं सीन्स को और ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं। फिल्म का एक डायलॉग है, ये जिस रेजिमेंट से आते हैं उसका नाम लायंस है, और इस रेजिमेंट का सोल्जर जितना जख्मी होता है उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला डायलॉग है, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक नया दुश्मन कई बार पुराना दोस्त होता है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे के लिए जान ले भी सकते हैं। एक और देशभक्ति डायलॉग, दिल से सोल्जर दिमाग से शैतान, हम बस भाग के रहने हैं, हमसे हिंदुस्तानी हैं हम। अब ऐसे डायलॉग सुनने के लिए आप थिएटर जाना है या नहीं, ये तो आपको खुद तय करना होगा। वैसे फिल्म में अक्षय कुमार और पृथ्वीराज सुकुमारन के बीच फिल्माए गए एक्शन सीन जबरदस्त हैं। दोनों का स्वैग स्क्रीन पर शानदार लगता है। टाइगर और अक्षय के बीच भी जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई गई है। इस फिल्म को एक बार थिएटर में जाकर जरूर देखा जा सकता है। तो दोस्तों, यह था अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म छोटे मियां बड़े मियां का कुछ ओपिनियन जो मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड मूवी की लेटेस्ट अपडेट और बॉलीवुड मूवी के लेटेस्ट रिव्यू आपसे मिस ना हो सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।